अब ये देख के इंडिया का याद नहीं आ रहा, आ रहा याद? Hello everyone, welcome back to my channel Sonali's Life Studio and happy Navratri to everyone. सो गाइज आज है यूएस में एडिशन में एक मंदिर में आज रावण दहन है, वहाँ पे कुछ मेला वगैरह लगा है एंड प्लस 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 वहाँ पे हनुमान जी का नया स्टैचू क्या बोलते स्थापना हो रही है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं एंड हमने पूरा इंडियन गेटअप पहना है, नीचे जीन्स है एंड राजेश में ब्लैक रिदान से हेलो 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 सो आपसे मिलती हूँ सीधे एडिशन में। एडिशन आते ही एडिशन का ये बड़ा सा बोर्ड दिखा एंड ये एक प्लेग्राउंड में हो रहा था, तो यहाँ पे चल रहा था फिलहाल रामायण एंड यहाँ पे राम भगवान का जो चाइल्डहुड वाला फेज था उसके स्किट्स मतलब ड्रामा जो थे वो चल रहे थे, बच्चे थे बहुत अच्छा मतलब इन्होंने किया था एंड काफ़ी भीड़ थी ना, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में नहीं हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि हाँ हम इंडिया में ही हैं अमेरिका में। तो सबकी हालत बुरी है, बाल तो उड़ गए, निकल गया। आप अब आ गए हैं ना मेला घूमने इंडिया में, इंडिया की कमियां। अरे तो लेके गए फुल मेला लगा हुआ था एंड स्टॉल्स थे काफ़ी, तो इंडियन ड्रेसेस इंडियन ज्वेलरी एंड अभी दिवाली आ रही है ना तो उसके डेकोरेशंस के सामान पूजा के सामान जितने भी अपने होते हैं फूड स्टॉल वगैरह सब कुछ लगा था, काफ़ी बड़ा था। जो इंस्टीट्यूट वगैरह थे उनके अपने अलग स्टॉल लगे थे, बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में, बहुत अच्छा लगा देख के, ये मुझे फर्स्ट टाइम देखा मैंने। यहाँ पे फूड स्टॉल वगैरह लगे थे एंड जो भी अपना स्ट्रीट फूड होता है पाव भाजी चाट पानी पूरी ये सब कुछ था, तो सच बोलो ना इंडियन फूड की कदर ना फॉरन ही आके होती है, ऐसे इंडिया में तो नहीं आती है। रामायण के साथ साथ यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी हो रहे थे बच्चों का, तो ये कुछ डांस एकेडमी से बच्ची आई थी जो बहुत अच्छा डांस कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देख के। मैंने भी थोड़ी यहाँ से शॉपिंग कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं आपको घर जाके दिखाऊंगी एंड ये था कश्मीरी स्टॉल। यहाँ पे हनुमान जी का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत बड़ा स्टैचू है, तो ये स्टैचू जिसकी मंदिर में स्थापना होगी एंड यहाँ पे वो अभी रखा गया है दर्शन के लिए। फिर हम चले गए थे फूड कोर्ट की तरफ एंड मैंने यहाँ से खाया समोसे चाट, राजेश ने समोसा लिया, बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी तो नहीं थे वैसे बहुत एक्सपेंसिव थे, पर चलो मेला में आए तो खा लेते एंड बस अब होने वाला है मतलब अब थोड़ी देर में ही रावण जला देंगे यहाँ पे, अभी रामायण बस ख़त्म होने वाला, संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर कर आ गए हैं, तो बहुत अंधेरा हो गया था, निकलने में भी बहुत भीड़ हो रही थी, तो
तो बस हम ये देख के फटाफट से निकलेंगे यहाँ से। रावण दहन का प्रोग्राम संडे को यानी सप्तमी के दिन ही कर दिया गया था, सॉरी सैटरडे को ही, क्योंकि वेदर का बहुत पंगा था एंड सैटरडे बारिश रुकी थी तो उस टाइम ही कर दिया गया था। तो यूएस में ना गाइस सैटरडे संडे देखा जाता, उस टाइम ही ना फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते, क्योंकि छुट्टियां नहीं होती, लोग आ नहीं पाएंगे, इसलिए सैटरडे संडे ये कर दिया जाता है। एंड हो गए बस अब, मतलब ये क्लिप ना मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि हम पहले निकल गए थे और हमें थोड़ा दूर जाना था, तो हम अंधेरा होने से पहले थोड़ा निकल गए थे। ये क्लिप मेरी फ्रेंड ने लेके भेजा, तो थैंक यू सो मच कि आपने ये क्लिप मुझे भेज दिया। बस अब हम निकल गए घर के लिए। सो गाइस, हम आ गए मेला से। आज मैं जितना सुबह दुखी थी अभी मैं उतना ज्यादा ही खुश हूँ। एंड अभी जल्दी जल्दी खाना बनाना क्योंकि हमारे फ्रेंड भी आने वाले, तो आज वो नाइट स्टे यहीं करेंगे। तो बस ये कुर्ती मैंने ली है आज वहां से, अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है। मुझे इसकी और लेनी चाहिए थी पर मैं ले नहीं पाई। चलो फिर मैं आपसे मिलती, जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ यहाँ पे।